Wonder if God got a plan for everyone. Wonder if I could take a second one. Just carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. चैनल गाइज, आप सब कैसे हैं गाइज? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड हेल्दी गाइज। और गाइज, आज ना सुबह सुबह एक प्रॉब्लम हो गई है हमारे बिल्डिंग में, का जो पानी है वो ख़त्म हो गया है, जिसके वजह से हमारा ब्रेकफास्ट डिले हो गया है। और साथ ही मैं नहा धोहा के रेडी हूँ, पर पानी फिनिश है, जिसके वजह से बर्तन भी ऐसे ही आधा मैंने वॉश कर लिया है और ऐसे ही आधा बाकी है, ये क्योंकि पानी नहीं है, सिर्फ पीने वाला पानी है, वो भी एक लीटर से कम है, जिसके वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसी का पानी का वेट कर रही हूँ, अभी टाइम लगेगा गाइस। और आज सुबह सुबह मैं बनाने वाली थी डोसा, बट पानी ना होने की वजह से लग रहा है मैं ब्रेड बनाऊँगी, ऐसे सिंपल ऐसे सेक लूँगी, क्योंकि पानी तो है नहीं, इसीलिए वही करूँगी। क्योंकि जब पानी आएगा, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली थी डोसा रेसिपी, बट प्रॉब्लम हो गई गाइस। इधर हमारा कान्हा आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ, चोटी लग गई? कान्हा को चोटी लगता है ना तो उनको किसी चाहिए, बोलता है वे किसी करो। उनका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है किसी करने के बाद। यहाँ पर मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ बर्गर जैसा ब्रेड बनाने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ खीरा यानी कि कुकुम्बर। राउंड राउंड स्लाइस में हम छोटा छोटा पतला पतला पीस कट करेंगे। अब मैं इसको ट्रे में रख दूंगी। इसके बाद मैं प्याज को भी राउंड राउंड शेप में काट लूंगी। इधर हमारा काना भी ट्राई कर रहा है, मस्ती कर रहा है मेरे साथ, उसको भी वेजिटेबल कट करनी है। आप सबको हाई बोल रहा है मेरा काना, आप सब भी हाई बोल दीजिए प्लीज़ गाइस। उसके बाद से मैं प्याज का जो है एक एक पीस राउंड राउंड शेप में निकाल लूँगी, क्योंकि ऐसे ब्रेड में रखने में पूरा जो टेस्ट आता है, पूरा बर्गर का टेस्ट आता है गाइस। और मैं इसमें चीज़ भी यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे तीन जोड़ा ब्रेड ले ली हूँ, टोटल 6 है गाइस। अब मैं इस पे एक पर रखूँगी मेयोनीज और दूसरे पे रखूँगी केचप, क्योंकि हम बना रहे हैं बर्गर टेस्ट वाली ब्रेड, इसीलिए इन सारी चीज़ों का ज़रूरत है गाइस। और दूसरे पे हम डाल लेंगे केचप। टोटल मैं 4 जोड़ा बना रही हूँ, अभी मैं ट्रे पर इतना ही आटा है इसीलिए मैं इतना ही डालूँगी। उसके बाद से मेयोनीज और केचप को अच्छे से पूरे ब्रेड में
लगा लेंगे, वरना टेस्ट जो है गाइस वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये इकट्ठा रहेगा तो इसीलिए। तो पूरे ब्रेड पे अच्छे से मेयोनीज का जो लेप है वो लगा लेंगे, और केचप भी ऐसे ही फैला के लगा लेंगे ब्रेड पे। इधर हमारा काना है गाइस, वो चीज़ दे रहा है कि चीज़ डालो, क्योंकि चीज़ के बिना तो बर्गर वाली टेस्ट तो आएगी नहीं, इसीलिए चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने चीज़ लिया है गाइस वो है स्लाइस वाली चीज़, पूरा ब्रेड के साइज़ का ही है। और हमारा जो चीज़ है वो थोड़ा स्टिकी हो गया है, रीज़न ये है कि यस जो है हम लोग जब भी चीज़ लेके आते हैं वो खेलता है, जिसके वजह से जो हमारा चीज़ है वो जो कवर है उसमें सटा हुआ जैसे हो गया है। तो मैं हाथ से निकाल कर पूरे ब्रेड पर रख लूँगी, उसके बाद से जो कुकुम्बर है, अनियन है, ये डालूँगी। आप चाहे तो इसमें क्या बोलते हैं कैरेट डाल सकते हैं, अपने पसंद का कोई वेजिटेबल डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दो ही चीज़ डाल रही हूँ, और दूसरे ब्रेड से कवर कर लेंगे। और बटर के बिना तो ब्रेड अधूरा है गाइस, इसीलिए बटर डाल के फैला लेंगे। उसके बाद जो ब्रेड हमने सेटअप कर रखा है उसको डाल देंगे चारों ब्रेड को मैंने डाल लिया है। उसके बाद इसको उलट पलट के हम मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे एकदम क्रंची होने तक। अभी लेके जा रही हूँ पति जी को टेस्ट कराने के लिए कि कैसा बना है, बेबी खा के बताइए। बर्गर, हमारा ब्रेड बर्गर विथ वेजिटेबल विथ चीज। ये देखिए पूरा नींद के मूड में है, उनको सोना है। हाँ, उनका सर दर्द बहुत कर रहा है। और टी शर्ट इतना सुंदर लगाया है ना गाइज, कि हाफ टी शर्ट दिख रहा है, हाफ इनर वेयर दिख रहा है। इतना नखरा है ना इनका। ये देखिए ये कौन सा ढंग है बैठने का, ऐसे कोई जो दिक्कत है तो दिक्कत तो जा बाहर, ऐसे कौन बैठता है, दिक्कत मत जा बाहर। और चिक 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 उस टाइम बता रहे, क्या बोले हमको एक बार बोलना। एक अगर खराब बात है दुनिया में कौन नहीं कर, चिक 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 टाप 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 को तो काम ही कर नहीं, हम ऐसे खराब बात करो नहीं, कारण नहीं कर दुनिया में टप टप टी 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 टप टप टी टी टप टप टी टी क्या होता है गाइस, हमको भी नहीं पता है। फुल देहाती लैंग्वेज बोलते हैं जो हमको समझ नहीं आता है, क्योंकि ये फुल देहाती है। इधर देख के बात करो ना, इधर देखो, फालतू में टाइम नहीं दिया, फालतू वाले में बात करो। मैं फालतू, फालतू में आ गई आपको जी, फालतू बोले गलू ना चले गए। हाँ ना, हमको बोलना आता है ना चलना आता है, इन्हें नहीं हमें बड़ा किया है, इन्होंने पढ़ा लिखा के हमको यहाँ पर पहुँचाए हैं। मेरे पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग है, क्योंकि जिस दिमाग से पैसा आता है ना उसका वैल्यू होता है, जिस दिमाग से पैसा नहीं आता है ना, क्योंकि हाउस वाइफ तो फ्यूचर है, दिमाग तो है नहीं, फालतू में कोई नहीं करता दिमाग खाली, क्योंकि हाउस वाइफ काम करते हैं उसका तो पैसा नहीं आता, इसलिए उसके लिए वैल्यू नहीं होता है। और ये लोग का दिमाग का जो होता है वो काम करते हैं, लेडीज को वही है ठिबड़ी फोड़ना माथे पे, चिबड़ी फोड़ना क्या होता है आपको नहीं पता सच में गाइस, ये फुल अपना गांवले लैंग्वेज बोल रहे हैं जो हमको समझ नहीं आता, कोई तो काम है नहीं, आप फालतू बोल रहे हैं, आप फालतू बोल रहे हैं, ये कौन सा ढंग है बैठने का, मेरा यही है भाई, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, आपको पसंद नहीं है, अच्छा से बैठिए, अच्छा से बैठिए, मैं ऐसे ही बैठूंगा, ऐसे ही बैठूंगा, प्रॉब्लम जाए उधर से बैठ, उधर चलता, देहाती आदमी देहाती रहे, मैं तो देहाती हूँ। गाइस प्रदीप जी जो है ना सोफे पे ही बैठे बैठे सो गए हैं। मैं बोल रही है जाइए बेड पे सो जाइए, उठ के भाग गए भाग गए। और गाइस इधर मैं बना रही हूँ लंच, हमारा आज लंच में है राइस
और साथ ही बना रही हूँ मटन। आज उनका जिद है कि मैं खा के ही सोऊंगा क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सुबह आते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए जगाती हूँ, फिर 3-2 बजे करीब मैं लंच के लिए जगाती हूँ, तो उनका नींद जो है काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है अभी, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इसीलिए चिक 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 ज़्यादा करते हैं। आप सबको मेरे ब्लॉग में देखने में मिलेगा, इरिटेट हो गए हैं। और मैं अभी इधर बना रही हूँ लंच। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन भी दबाना ना भूले। हमारा काना कह रहा है अपना स्कूटी पार्क, एक्चुअली ये बाहर जा रहा है अभी, इसका खेलने के टाइम है, इसलिए मैं नीचे आई हूँ। और ये जनाब भागे जा रहे हैं, ये देखिए उधर सब बच्चे खेल रहे हैं, है ना खाना। बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, आ जाओ। इधर प्रदीप जी हो रहे हैं रेडी, क्रीम पोत रहे हैं गोरे बने के लिए, पूरा ब्लॉक ब्लैक हो गया। हाँ, इनके आईज के कलर जो होता है ना गाइस, वहाँ पे डार्क हो गया है, किसी ने बुरा नजर डाल दिया वो कलर है। इतना खंगर बन की इनके पर बुरा नजर डाल दिया, खंगर वाली दे लोग देख के दिमाग खराब। नहीं गाइस, इनको ना वो जो छाई बोलते हैं ना वो हुआ है। अरे गोंद गए ना, गाँव गए ना, किसी लड़की ने नजर डाल दी। वैसे तो कहा था नहीं, इतना खंगर बना ना कि क्या बनना जाए तो है भाई, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं कि इतना खंगर बना, यानी कि सुंदर सुंदर है कि नजर डाल दिए किसी ने। वो तो है, दिल से दिमाग से सब। ओहो, क्या बोलते हो आप लोग भाई, अभी आप कैसे लगते हो? गोविंदा का मूवी है ना, जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है उस देश में लक्ष्मी रहती है। हाँ, क्योंकि इन्हीं घर में रहना पड़ता है, इसीलिए गंगा लक्ष्मी सब एक ही है। हाँ, सब गॉडेस है। क्रीम पोता गया इनका, अभी ये निकलेंगे गाइस ऑफिस के लिए, इसीलिए रेडी हो रहे हैं। रोज रात को नाइट में हमको छोड़ के चले जाते हैं अकेले, और हमको नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आता भाई? किस किस को नींद नहीं आती है हस्बैंड के बगैर? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, इसीलिए सो जाओ आराम से, क्योंकि मैं अकेले रहती हूं, मेरे माँ का याद आता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हेलो गाइस, अभी प्रदीप जी ऑफिस चले गए और कान्हा को मैं इधर खिला रही हूँ दूध रोटी, और कान्हा खा रहा है दूध रोटी, रात का डिनर है इसका। उसके बाद मैं खाऊंगी गाइस, तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा, आप सबको पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ, आई होप आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। इधर हमारा काम क्या हो, वो अपने हाथ से खाएगा उसको दूध रोटी या थोड़ा सा मैंने शुगर डाला है, क्योंकि कभी कभी देती हूँ, ज्यादा तो मैं शुगर नहीं देती हूँ, बट उसको पसंद है, क्योंकि बच्चे स्वीट नहीं खाएंगे तो कल खाएगा। तो गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस।